सब्सक्राइब कीजिए अनपेड गुरुजी चैनल को, दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनपेड गुरुजी। दोस्तों, अगर आप सीटेट 2019 के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे सीटेट एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं उनके बारे में हम आपको आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे चैनल के सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप सीटेट 2019 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आपने प्रशिक्षण में, चाहे आपने बीएड किया हुआ है या बीटीसी किया हुआ है, तो वहाँ पर आपने जितने भी अपने हैंड रिटन नोट्स या जो कुछ भी आपका स्टडी मटेरियल है अगर आपके पास वो है तो सबसे पहला सबसे बेटर ऑप्शन रहता है कि आप उन्हीं का यूज करके उन्हीं के थ्रू आप सीटेट एग्जाम की तैयारी करें, वो आपके लिए बेस्ट रहता है। इसके अलावा जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो सबसे परफेक्ट बुक्स होती हैं, तो उन्हें भी आप स्टडी कर सकते हैं, ये सबसे बेटर ऑप्शन होता है। इसके अलावा बाकी का अगर आप और देखने स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फिर मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो वो बेटर हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो हिंदी व्याकरण और हिंदी शिक्षण के लिए जो बुक मार्केट में अवेलेबल है वो है सरोहा पब्लिकेशन की। ये काफ़ी अच्छी बुक्स मैंने देखी हुई है, अच्छी बुक्स है ये, आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। इसमें चैप्टर वाइज काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आप कर सकते हैं, पेडागोजी के काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए हैं ये भी आप कर सकते हैं। हिंदी ग्रामर और हिंदी शिक्षण के लिए ये काफ़ी अच्छी बुक है सरोहा पब्लिकेशंस की, तो ये आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी का जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो आपका यही है कि अपने प्रशिक्षण में जो आपने प्रशिक्षण कोर्स किया हुआ है बीएड या बीटी, उसमें आपने जो बुक्स को बुक्स या जो भी आपका स्टडी मटेरियल है वो आपने जो भी तैयार किया हुआ था उसे आप देखें, तो वो सबसे बेटर ऑप्शन रहता है, उसी से आप अपनी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये हिंदी व्याकरण और हिंदी शिक्षण के लिए आप सरोहा पब्लिकेशंस को जो बुक आ रही है मार्केट में उसे आप देख सकते हैं, उसमें चैप्टर वाइज काफी क्वेश्चन दिए गए हैं तो वो प्रैक्टिस के लिए बहुत बेटर रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों सीटेट 2019 के लिए सबसे बेटर रहता है कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके वो प्रैक्टिस सेट लगाएं, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके वो प्रैक्टिस सेट आप लगाएं। प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए मार्केट में जैसे कई सारे पब्लिकेशन की बुक आती है तो उसमें कई सारे अनसॉल्व प्रैक्टिस सेट रहते हैं, आप वो परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही जो फर्स्ट पेपर के लिए प्रैक्टिस सेट है वो आप अरिहंत का परचेज कर सकते हैं, 15 प्रैक्टिस सेट्स में दिए गए हैं, मैंने देखा हुआ है, अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, तो ये आप देख सकते हैं। या इसके अलावा और भी कई सारे पब्लिकेशन हैं वो भी आप देख सकते हैं, तो 15 से 20 प्रैक्टिस सेट का जो बुक आता है तो वो आप ले सकते हैं। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए इससे जो टाइम मैनेजमेंट होगा वो आप अच्छे से कर सकते हैं, तो ये आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। तो इसके लिए आप अरिहंत का या फिर और मार्केट में आते हैं वो आप परचेज कर सकते हैं, 15 से कुछ में 15 प्रैक्टिस सेट आते हैं, कुछ में 20 प्रैक्टिस सेट आते हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो लोग इंग्लिश मीडियम से तैयारी करते हैं या इंग्लिश के लिए जो तैयारी करते हैं तो उसमें इंग्लिश मीडियम से स्टडी करने वालों के लिए जो सीटेट की बुक है वो एक है पियर्सन पब्लिकेशन की बुक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, ये आप देख सकते हैं काफी अच्छी बुक है। इसमें मॉडल टेस्ट पेपर्स भी कुछ दिए गए हैं वो भी आप देख सकते हैं, तो ये इंग्लिश में जो स्टडी करते हैं उनके लिए ये बेस्ट बुक रहेगी, तो ये भी आप मार्केट से देख सकते हैं पियर्सन पब्लिकेशन की। क्योंकि ये जो फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर होता है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट सेम ही रहता है, तो इस वजह से इसमें ये जो बुक रहेगी वो फर्स्ट और सेकेंड पेपर दोनों के लिए कॉमन रहती है, तो ये इसमें बेटर रहता है। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम के लिए ही चाइल्ड डेवलपमेंट की जो बुक आती है वो एक आती है दिशा पब्लिकेशन की, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी कॉमन पेपर वन एंड पेपर टू के लिए कॉमनली इंक्लूड की गई है। इसके अलावा इसमें कुछ सॉल्व पेपर भी दिए गए हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं यूपीटी 2017 का, सीटेट के भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर दिए गए हैं, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। कुछ स्टेट जो टेट होते हैं स्टेट लेवल के उनके पेपर भी कुछ इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं, अच्छी बुक है दिशा पब्लिकेशन की चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए पेपर वन और पेपर टू के लिए, ये मार्केट में आप लोग देख सकते हैं एक बार। इसके अलावा जितनी भी ये बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ उनकी जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, चाहे तो आप परचेज भी कर सकते हैं।
तो इसके अलावा जो हिंदी मीडियम से सीटेट को फेस करते हैं, तो उनके लिए जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की जो बुक है वो दिशा पब्लिकेशन की, ये काफी अच्छी बुक है। इसमें काफी क्वेश्चंस दिए गए हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें दिए गए हैं, पेपर्स हैं वो दिए गए हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया पेपर वन और पेपर टू के लिए, दोनों के लिए ये दिया गया है। इसके अलावा ये सी टैट और अदर जितने भी स्टेट लेवल के टैट होते हैं उनके लिए दिए गए हैं। सॉल्व कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, वो जो संभावित क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं। तो दोस्तों ये कुछ बुक्स थी जो आप देख सकते हैं मार्केट में। इसके अलावा ये बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो ऑनलाइन तो दोस्तों ये कुछ बुक्स हैं जो आप देख सकते हैं मार्केट में देख सकते हैं। इसके अलावा इन सभी बुक्स की जो लिंक्स हैं वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।